जी हाँ, आप कैसे हैं? और आप देख सकते हैं आज बीजिंग में मौसम बहुत अच्छा है और आज हम मौजूद हैं बीजिंग में जो ओट सिटी का इलाका है। यस, आज हम मौजूद हैं बीजिंग शहर के मरकज हम कह सकते हैं और हमारे पीछे है, आप देख सकते हैं कि अभी जो स्क्रीन पर नजर आने वाली ये इमारत है, ये बीजिंग के माजी जमाने में जी आपको पता है फॉरबिडन सिटी। जी हाँ, और ये फॉरबिडन सिटी के बाहर से एक बहुत अहम ठाक है, मतलब है कि ये जो शाही शहर के अंदर जाने के लिए ये गेट तो राजमी रास्ता जी, है। जी जी, और यहाँ ये एरिया वो पुराने जमाने में वो एक कैसे कहते हैं वो कमर्शियल एरिया है। जी हाँ, बहुत मशहूर है और आजकल यहाँ वो नौजवानों के लिए वो तहरीही एक जो तहरीही इलाका भी है और यहाँ पे बहुत जदीद अंदाज में है, तो हम एक साथ देखते हैं। जी, आज मैं दबसो और जूसी के साथ हम साथ साथ देखते हैं कि बीजिंग के पुराने शहर कमर्शियल स्ट्रीट का जहां रंग हमारे साथ जाएगी, तो जूसी हम आगे चले चले चले। तो हमारे पीछे अगर आप देख सकते हैं कि ये जो तियानमेन स्क्वायर ऐसा है और तियानमेन मॉल का जो यादगार करने के लिए एक जगह भी है। जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉन्यूमेंट है। यस यस, और ये जो हमारे सामने यही तियानमेन स्क्वायर है, तियानमेन स्क्वायर हम सब जानते हैं कि दुनिया भर और ये यस, और आप देखें यहाँ पे वो फॉरबिडन सिटी का पुराना दरवाजा है और आजकल तो तामीर नौ के बाद बहुत खूबसूरत है ना। जी हाँ, ये रंग बीजिंग की रिवायती रंग है, सुरह रंग, ग्रीन और ब्लू और येलो रंग है। हम आगे चले। जी हाँ, हम देख सकते हैं कि ये पुरानी स्ट्रीट का नया रंग क्या है। ये इस स्ट्रीट की तारीख बहुत पुरानी है और आपको पता है जो मेरी दादा दादी का जो पुराना घर है इस इलाका में है और बचपन में मैं यहाँ बहुत अरसे तक वो रहती थी। तो हमें सुना है तो यहाँ जो तियानमेन स्ट्रीट पे क्या तब्दीली आ गई है, क्योंकि जूसी यहाँ की आबादी है, पुरानी आबादी है और वो जरूर जानते हैं कि हर क्या बरसों में इस स्ट्रीट पे क्या तब्दीली आ गई है। तो हमारे साथ सुना है जो तकरीबन 10-20 साल से पहले या 100 साल से पहले जो यहाँ पे बहुत रौनक है, दुकानें बहुत ज़्यादा हैं और लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ कमर्शियल के लिए बहुत मशहूर एक स्ट्रीट है। yes. और यहाँ पे बीजिंग के जो ओल्ड सिटी में सबसे ज़्यादा वो मशहूर कमर्शियल स्ट्रीट है। जी जी, और आजकल तो इतना ज़्यादा तब्दील नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे जो अकर्जी तामीर नौ हो चुकी है। हाँ, लेकिन वो बिल्कुल जो माजी की तरह है, जो तारीखी अंदाज में है, आप देख सकते हैं ये दीवार है, ये ग्रीन दीवार है, ये दीवार है जैसे जो पुराने जमाने में बिल्कुल एक ही जैसे है। जी हाँ, ये ओल्ड स्टाइल है लेकिन बहुत नई देखते हैं। जी, और हम आगे चले और देखते हैं उधर
वहाँ मेरा ख्याल है कि कुछ नया एरिया है जी, ये बेजिंग फॉर आजकल चेयरमैन स्ट्रीट का एक नया लैंडमार्क कह सकते हैं जी। ये सामने खड़ी है ये इमारत, इसके अंदर एक कमर्शियल सेंटर है, ये बेजिंग फॉर नामी कमर्शियल सेंटर, यहाँ नौजवानों में बहुत मकबूल है जी जी जी। यहाँ तामिला नाव के बाद बहुत से मशहूर रेस्टोरेंट, कॉफेटेरिया या कुछ दुकानें जी, बहुत से दुकानें भी यहाँ आई हैं, और जो बैनुल-अक़वामी ब्रांड भी यहाँ भी मौजूद हैं, इसलिए यहाँ नौजवानों के लिए अभी तक भी एक बहुत अच्छा जो अच्छी जगह है ना। हाँ जी, और सियाहों में जो जिन्हें सियाहों या गैर मुल्की सियाहों में भी बहुत मशहूर है। आप देखें ये बेजिंग गली में वो रोस्ट डक, ये पीकिंग डक है, पीकिंग डक बहुत अच्छा है, यहाँ बेजिंग का रिवायती खाना भी है, और मैं भी है, ये कह सकते हैं कि चाइना का मशहूर डलिंग डिशेज में से जी जी जी। और यहाँ तो चलते हुए मुझे महसूस है कि पाकिस्तान में भी ऐसे जो एरिया भी मौजूद हैं, जैसे लाहौर में अनार गली में या कुछ जो तारीखी रास्ते के आसपास, यही जो पुरानी स्ट्रीट है। और आप इस स्ट्रीट पे देख सकते हैं कि जो कदीम जमाने में, पुराने जमाने में बीजिंग का क्या कैसे देखते जी देते हैं, और ये शहर का स्टाइल की रिवायत सब इस स्ट्रीट पे महफूज होती है जी। और आप भी अंदाजा कर सकते हैं कि पुराने जमाने में चीनी लोग कैसे जिंदगी गुजर रहे हैं। हाँ, ये दो हुतोंग है, आप देखिए देखिए, हम थोड़ा सा अंदर में जाए, हम अंदर जाए, ये पाइज हुतोंग जी जी जी। हुतोंग ये जो ऐसी छोटी गली का नाम का चीनी नाम है, और आप देख सकते हैं कि ये हुतोंग के दोनों किनारे पर मुख्तलिफ दुकानें मौजूद हैं, और इसके अंदर में मकामी लोग भी यहाँ रहते हैं जी। हाँ, वो छोटी छोटी दुकानें भी हैं और बाइसिकल हैं, जो आप अंदाजा कर सकते हैं जो बीजिंग में गली में जो आम लोगों की जिंदगी कैसे है। हाँ, बहुत पुरसुकून लगता है जी जी जी। जो बाहर ये कमर्शियल स्ट्रीट है, बहुत रौनक है, लेकिन इस हुतोंग के अंदर दाखिल होने के बाद हमें बहुत पुरसुकून महसूस करते हैं जी। हाँ, बचपन में जो मैं इस इलाके में इस इलाके से ताल्लुक है ना, ऐसी एरिया में रहती थी जी। हाँ, और रोजाना मैं बीजिंग के जरिए यहाँ चलते हैं। हाँ, बीजिंग जो कई सालों पहले बीजिंग में बहुत से लोग बीजिंग को चलते जी हाँ, क्योंकि इसलिए तकरीबन 10-20 सालों से पहले बीजिंग को एक नाम है, एक और नाम है कि बीजिंग का शहर क्या शहर है। आप देखिए यहाँ पुराने स्टाइल की हामिल इमारत के साथ साथ कुछ नई इमारतें भी खड़ी हैं, लेकिन ये सब नया वाला है, सिर्फ इसकी जो इसका अंदाज वो तारीखी अंदाज है जी। हाँ, ये पुरानी अंदाज है, लेकिन ये सब नई बिल्डिंग है जी जी जी। बहुत खूबसूरत लगते हैं, और आसपास माहौल भी बहुत बेहतर है। आप देख सकते हैं कि जो सड़क पे ऐसे फूलों भी नजर आ सकते हैं, दरख्तें भी नजर आ सकते हैं, और ये तो आप देखें ये हुगोसी है, ये बीजिंग के बहुत पुरानी बहुत तारीखी मशहूर जो खाना का ब्रांड है, एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है, यहाँ हलाल खाना भी है, और क्योंकि ये एक हलाल रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं जो यहाँ बीजिंग में मुसलमान के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के मिठाई भी मौजूद हैं और खसूसी खाना भी मौजूद है, तो आप सब हलाल फूड है जी। ये देखें कबाब, हलाल है वो, 10 yuan एक कबाब जी। हाँ, अगर स्नैक के हवाले से बात करें तो दरअसल बीजिंग शहर में ये जो मगामी स्नैक्स हैं, बेशतर मगामी स्नैक्स हैं, ये हलाल फूड है जी जी जी। बीजिंग में मुसलमान भी बहुत ज्यादा है, वो हुई कौमियत वो सब की आबादी की बड़ी तादाद बीजिंग में रहती है जी। और आपको पता है बीजिंग में इस एरिया के बहुत करीब में एक
叫回民中学，就是回民中学的名字叫回民中学，对，回民中学，对，我的牛街的隔离盘，跟着牛街我回民中学就穆斯林王东隔离，一个胡苏斯 area 我也想被人的隔离，看的隔离是不好舒服了的，我的我想被一个 middle school 皮毛住的，师傅叫回民中学老公隔离，我的也想呢，师傅没个名 brand 的Bogies, Starbucks, yes, yes, coffee, yes, yes, international brand, which is Japan. Our Yejo international shops, and Yepi egg brandy and that's the Imarat me, Mojut him. Jiha, I'm again, they can't, they can't, I'm taking the tank is a rat pay. Ned, I love Hupsura, the pool, and there are they here. Our Hatempi here, our Yejo brandy and that's the Mohdalif Imaradan Kari here. Yet, they can.啊，我好没，啊，得看，阿哥买一个不好怎么出的 tea house 哈 ，tea house， 我阿哥不打算拆，那买家也不好怎么出的，也 green tea 不好怎么出的，好的，那跟拆那买tea 给是打发的，巴基斯坦是同样是没得的，对哈，他们 Chinese 那个就都给不好的家也不得哈，嗯哼，再来买一开。और आप देखें यहाँ पे वो पुराना मकान है जो इसकी तकरीबन इसकी तारीख 100 साल से ज्यादा पुरानी है लेकिन अभी वो तामीर-ए-नौ है वो तामीर-ए-नौ कर रहे हैं हाँ जी और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास सियाहों की तादाद भी बहुत बड़ी है क्योंकि चीनी हुकूमत की जानिब से ये ख्याल रखते हैं कि बीजिंग में न सिर्फ वो बहुत जदीद ऊंची ऊंची जो इमारतें भी मौजूद हैं लेकिन पुराने जो जो तारीखी अंदाज भी महफूज होना की जरूरत है जी हाँ जी हाँ और ये इसी वजह से जो बीजिंग शहर जो अपनी मकामी रिवायत के मुताबिक रिवायती सकाफत से फ़ायदा उठाकर फिर यहाँ सैर सियाहत की सनत भी तरक्की हो सकती है और आजकल हुकूमत की जानिब से जो मकामी लोगों की सहूलियात के लिए जो खूटों में रहने वाले जो बाशिंदों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत से इकदाम कर रहे हैं तो इसीलिए खूटों में रहने वालों की जिंदगी भी काफ़ी बेहतर हो चुकी है बेहतर हो चुकी है क्योंकि इससे पहले यहाँ पे जो वॉशरूम है या कुछ जो नहाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आजकल वो तामीर-ए-नौ के बाद जो इसकी सहूलतें भी मौजूद हैं और अगर आप कुछ इमारत में रहने चाहते हैं तो एक दूसरे इलाके में एक इमारत में मकान भी अप्लाई कर सकते हैं जी हाँ आज जो आपकी पुरानी जगह की सैर करने के बाद आपको कैसा लगा तो कमेंट्स में हमें बताएं और आप अगर आप हमारे जो चुशी और तबसुम को पसंद हैं तो ज़रूर हम तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारा लाइव वीडियो और तो लाइक दबाएं और शेयर करें और अपने दोस्तों और फैमिलीज को दावत दें हमारे साथ ज्वाइन करें और बीजिंग शहर पुराने बीजिंग शहर की सैर करें और चुशी और तबसुम की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जुमा मुबारक और अब चुशी और तबसुम को इजाज़त दीजिए जी हाँ तो आप इस गली बीजिंग में गली के बारे में आपका क्या ख्याल है तो सब कुछ कमेंट्स में हमें बताएं तो आखिर में एक बार फिर जो बीजिंग में जो तारीखी गली आप एक नज़र डालें आप देखें ये पुरानी स्ट्रीट में ऐसी रंग बिरंगी शॉप्स मौजूद हैं और यहाँ नई फैशन भी आ रही है आप देख सकते हैं इसलिए आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बीजिंग जैसे जो बड़े बड़े शहर में जो ऊंची ऊंची इमारतों के अलावा वो तारीखी रंग भी मौजूद हैं और बीजिंग का सब अंदाज आप तो महसूस कर सकते हैं तो इसके बारे में आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया और आज के लिए इतना ही है चुशी और तबसुम को इजाज़त दीजिए और तबसुम को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ बाय बाय